सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनके राव, कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया, मस्त। हम भी मस्त, एकदम बढ़िया। ओके, जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें, BCCLE का अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में। ओके, जैसा कि उसका कल अलॉटमेंट लेटर आ गया था, आज से एडमिशन स्टार्ट है। यानी कि एडमिशन कब से? 25/9 अलॉटमेंट लेटर आया था एंड 26/9 तक क्या है एडमिशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, 29 तारीख को क्या आया था अलॉटमेंट लेटर। तो मेरे प्यारे साथियों बता दें कि मैक्सिमम स्टूडेंट को कॉलेज तो अलॉट हो गया होगा, बहुत सारे बच्चा को कॉलेज मिल गया होगा, तो आज से वो एडमिशन लेंगे। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट को ये जो है ना अलॉटमेंट लेटर कल आया, फर्स्ट राउंड का है, तो कुछ स्टूडेंट को इस डेट में नहीं आया, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, यानी कि उसको इनकम्प्लीट लिखा रहा होगा। ठीक है, उसको कॉलेज फर्स्ट राउंड में नहीं मिला। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी के लिए ही वीडियो लेकर आए हैं कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेकेंड राउंड का वेट करना है। ठीक है, जिसको फर्स्ट राउंड में मिला है उस सबको एडमिशन लेने दीजिए। बस आपको जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, कुछ नहीं मिला है, इनकम्प्लीट लिखा रहा है, तो आप सेकेंड राउंड का वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस डाउट उठता कि भाई सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर जारी कब होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट राउंड का कब आया था, फर्स्ट राउंड का आया था आपको 25 तारीख को, तो उसी तरह से सेकेंड राउंड का कब आएगा। ठीक है, तो सेकेंड राउंड का मेरे प्यारे दोस्त आप सभी को बता दें, 7/10/2022 को अलॉटमेंट लेटर आएगा। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट क्या तारीख को आएगा, 7 तारीख को। ठीक है, उसके बाद आपको 8/10/2022 तक क्या है एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप सेकेंड राउंड का वेट कीजिए, सेकेंड राउंड में 7 तारीख को रिजल्ट आएगा, चेक कीजिए, देखिए उसमें भी कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मान लीजिए आपको सेकेंड राउंड में भी नहीं मिला, यदि मिला तो इस डेट में जाके आप टोटल डॉक्यूमेंट्स लेके जाके आप एडमिशन करवाइए। ठीक है, यदि आपको सेकेंड राउंड में भी नहीं मिल रहा है तो एक लास्ट राउंड होता है जिसको आप मॉपअप राउंड बोलते हैं, मॉपअप राउंड। ठीक है, इसका इंतजार कीजिए। ये ऑफलाइन होता है, कहाँ पर होता है, पटना में होता है। ठीक है, IAS भवन हवाई अड्डा के पास। ठीक है, तो आप मॉपअप राउंड का वेट कीजिए, लास्ट राउंड है, इसमें भी नहीं मिला तब कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए, देखिए अच्छा अच्छा ब्रांच आपको फर्स्ट राउंड में आपको जो है ना फुलफिल हो जाता है, जो ब्रांच अच्छा में से कुछ बचता है तो सेकेंड राउंड में फुल हो जाता है, अच्छा ब्रांच मॉपअप में कोई कोई कॉलेज में एक दो में रहता है, जो जिसका अच्छा रैंक रहता है तो उसको पहले मिल जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही, सेकेंड राउंड का वेट कीजिए। उम्मीद करते कि यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट से मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। ठीक है, यूट्यूब का जो जितने भी सारे क्राइटेरिया था फुलफिल हो गया एकदम, उसके तरफ से भी चेकिंग जो प्रोसेस था वो चेक भी हो गया, उसके यूट्यूब के तरफ से क्या बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन का भी ईमेल आ गया हमको, तो मोनेटाइज हो गया। कुछ दिन में आपका पेमेंट का भी प्रोसेस पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बस इसी तरह से प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए, तो बस ज़रूरी है सपोर्ट का आप सभी का। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, आप ही लोग के सपोर्ट एंड प्यार से मतलब थोड़ा इंक्रीज किए और सब्सक्राइबर भी इंक्रीज कर रहा है, और सबसे बड़ी खुशी बात है कि मोनेटाइज हो गया चैनल, मतलब अब चैनल से यूट्यूब से पेमेंट आएगा मेरा। ठीक है, तो बस आप सभी के प्यार और सपोर्ट से मिला है, इतना ही, और भी करते रहिए प्लीज़। ठीक है, सपोर्ट कीजिए, हम भी आप सभी के लिए हमेशा वीडियो लेकर आएंगे हेल्पफुल जो आप सभी के लिए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।